हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास 10th ऑन आवर चैनल बैक बंकर्स। आज हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन है आपका। एक एल्युमिनियम वायर है जिसका लेंथ आपको दिया हुआ है। लेंथ ऑफ एल्युमिनियम वायर 2 मीटर का आपका एल्युमिनियम वायर है। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया एरिया आपको गिवन है 1.8 × 10⁻⁶ m². ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस आपको 0.03 ओम दिया हुआ है। तो आपको बोल रहा है फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द एल्युमिनियम। ठीक है, तो पॉज करके इस बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से ट्राई कर लो। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो आपको रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, लेंथ दिए हुए, एरिया दिए हुए, तो फाइंड क्या करना है आपको? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब कि रो, रो फाइंड करना। आपको पता है ना रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। ठीक है, तो यहां से रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ए बाई एल हो जाएगा। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, ये 0.03, एरिया आपका 1.8 × 10⁻⁶ और लेंथ आपका 2 मीटर। तो ये इसको काट देगा 0.9 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा आपका 27 × 10⁻⁶ ओम मीटर, यानी कि 2.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिए, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक वायर है, से वायर ए है। ठीक है, इस वायर ए का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए ये आपको 6 ओम दिया हुआ है, 6.0 ओम दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्या होगा अगर इसके हम लोग लेंथ को डबल कर देंगे। व्हाट इफ इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, ओनली इट्स लेंथ इज डबल्ड सेकेंड में, ओनली इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डबल्ड थर्ड नंबर है ओनली इट्स रेडियस इज डबल्ड। ठीक है, तो देखो ये दोनों तो आप बहुत आसान है, लॉजिकली भी आप बना सकते हो। आपको पता है ना रेजिस्टेंस जो होता है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब कि लेंथ को अगर डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो दुगना हो जाएगा, 6 से 12 हो जाएगा। और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एरिया को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस जो हाफ हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। लेकिन इसको बनाना कैसे है सो हम लोग जानते हैं। आप मान लो कि उसका लेंथ जो है, पहला वाला जो वायर है ना ए,
लेट द लेंथ बी एक्स एंड एरिया भी वाई, और उसका रेजिस्टिविटी जो है वो रो दिया हुआ। ये पहले वाला था, इसका रेजिस्टेंस 6 ओम आया था। अब न्यू लेंथ में क्या हुआ है, न्यू लेंथ जो है वो 2x डबल हो गया ना, बाकी सब तो सेम ही था, एरिया वही वाई था और रेजिस्टिविटी रो ही था। ठीक है, तो देखो पहले वाले से r इक्वल टू रो एल बाई ए होगा, r कितना था 6 इक्वल टू रो एल, अच्छा लेंथ को x भी मान सकते हो, l ही मानते हैं, ऐसा थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एरिया को a मान लेते हैं हम लोग। 6 इक्वल टू रो एल बाई, अच्छा इसको लिखने का जरूरत नहीं है, तब ये हो गया। ठीक है, इसके जगह पे 6 लिख देते हैं, रो एल बाई ए इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो पुराना वाला था, इसको इक्वेशन 1 मान लो। यहां पर नया वाले लेंथ के लिए हम लोग क्या, इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रो 2l, ये हो गया रो 2l बाई ए हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखो, तो इसको आर डैश बोल दो, आर डैश इक्वल टू 2 रो एल बाई ए हो गया। अच्छा आपको इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से पता है ना रो एल बाई ए का वैल्यू कितना आया, 6 आया है, तो यहां पर इक्वेशन 1 से इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 हो गया, आर डैश इक्वल टू 12 ओम हो जाएगा। ठीक है, लॉजिकली आपको नहीं बनाना है, वो एमसीक्यू के लिए था आपको, कि आपको पता है लेंथ को डबल करने पे रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होता है, बट इसको सॉल्व वैसे करेंगे हम लोग। पुराना वाला रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लिए थे, वो तो पता है, ऐसे इक्वेशन उसका बना लिए हैं, और नया वाला जो था उसको थोड़ा सा अरेंज 2 को इधर कर दिए हैं, और रो एल बाई ए के जगह पे, रो एल बाई ए का वैल्यू 6 था ना, उसी के जगह पे 6 वैल्यू पुट कर दिए हैं, तो नया वाला रेजिस्टेंस जो आर डस्ट वो निकल आया 12। ठीक है, सेकेंड वाला आप खुद से सॉल्व करके बताओगे, खुद से सॉल्व करना हो जाएगा आपसे। ठीक है, रेडियस वाला देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, ये जो वायर है जिससे, ये पुराना वाला वायर है जिसका ये रेडियस जो है ये आय दिया हुआ है, अब जो नया वाला वायर है इसके रेडियस को डबल कर देना हम लोग, तो ये जो रेडियस है ये 2r हो गया। ठीक है, तरीका वही है, r इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, रो एल बाई ये लिखोगे, r के जगह पे 6 वैल्यू पुट करना पुराना वाला का, रो एल बाई ए, और इसको इक्वेशन 1 मान लेना। ठीक है, अब रेडियस डबल हुआ है तो एरिया पे क्या इफेक्ट होगा, एरिया इक्वल टू क्या होता है, ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये पुराना वाला था, अब नया वाला एरिया क्या हो जाएगा, रेडियस डबल हुआ है ना, पाई 2r का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, पाई 4r स्क्वायर, ये हो गया। अब ये जो एरिया है, एरिया के जगह पे ये डालेंगे, और ये पुराना वाला एरिया था, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस एरिया को ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पुराना वाला था, ये नया वाला एरिया है, तो इसके लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, और एरिया के जगह पे आप डालोगे रो एल बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये नया वाला एरिया था, उसका रेजिस्टेंस निकला है। अब देखो तो इस इक्वेशन 1 से रो एल बाई 4 पाई आर, सॉरी रो एल बाई पाई आर स्क्वायर के जगह पे आप 6 वैल्यू पुट कर सकते हो, ये इतना के जगह पे ये 4 एक्स्ट्रा आ रहा है,
इसके जगह पे 6 वैल्यू पुट कर सकते हो, तो रेजिस्टेंस इसका कितना निकल के आया, 6/4, यानी कि 3/2 ओम। प्रोसेस वही, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी चेंज हो रहा है उस एरिया को निकाल दे रहे हैं या उस लेंथ को निकाल दे रहे हैं, इक्वेशन 1 का वैल्यू उस पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहे, पुट कर दे रहे, बाकी सब तो वही एक ही जैसा तो सब कर रहे हैं। ये बात समझ में आया? चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, आपके पास दो वायर है ए और बी, ए और बी दो वायर है, उसके लेंथ का रेशियो आपके दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ए इज टू लेंथ ऑफ बी जो है वो आपको गिवन है 1:2, ठीक है, और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो वो भी आपको गिवन है, एरिया ऑफ ए इज टू एरिया ऑफ बी ये आपको गिवन है 2:3, ठीक है, और आपको दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस, ए का जो रेजिस्टेंस है ना वो आपको 12 ओम गिवन है, ठीक है, तो आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस ऑफ बी, फाइंड आर ऑफ बी, रेजिस्टेंस ऑफ बी, ठीक है, ट्राई करो तो इस क्वेश्चन को जल्दी से। चलो ठीक है, हम लोग क्या मानते हैं, लेट लेंथ ऑफ ए एंड बी इक्वल टू एक्स एंड 2x, 1:2 के रेशियो में है तो 1:2x उसका लेंथ हो गया, और एरिया ऑफ ए एंड बी उसको 2y:3y मान लेते हैं, 2y एंड 3y मान लेते हैं। अच्छा, इसके मटेरियल के ऊपर भी कुछ दिया हुआ होगा, एक मिनट। हाँ, ये ए और बी जो है ये दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है, ये दोनों सेम मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग जाने थे मटेरियल सेम होने से क्या होगा, रेजिस्टिविटी भी सेम होगा दोनों का, पता है ना, सेम मटेरियल का रेजिस्टिविटी सेम होता है। चलो ठीक है, तो अभी हम लोग जानते हैं इसका ए का रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, इस पर फॉर्मूला डालेंगे तो क्या होगा, रो एल बाई ए इक्वल टू 12 हो जाएगा। एल कितना है इसका, एक्स है, और एरिया कितना है, 2y है, ये 12 दिया हुआ है, ठीक है, यहां से रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 into 2y, अच्छा ये 24y/x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब सुनो, रेजिस्टेंस ऑफ बी हम लोग निकालते हैं, वो क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला है, रो एल बाई ए रेजिस्टेंस का। अब सुनो, दोनों का रो तो मतलब रेजिस्टिविटी तो दोनों का सेम था, तो इस रो के जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, 24y/x, बी का लेंथ कितना हम लोग माने थे 2x, और बी का एरिया कितना था 3y, यहां पर x से x कट गया, y से y कट गया, ये इसको काट देगा 8 टाइम्स में, और ये आपका 16 ओम निकल के आ गया। देख रहे हो, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सारे क्वेश्चंस में तो यही देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, आसान था। चलो अगला क्वेश्चन है हम लोग का,
एक वायर है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है 0.42 mm, उसका रेजिस्टिविटी जो है वो 44 × 10⁻⁸ ओम दिया हुआ है आपको, और पूछ रहा है आपको व्हाट लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर सो दैट इट्स अ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस भी 15 ओम। आपको कितना लेंथ का वायर चाहिए ताकि उसका रेजिस्टेंस जो है वो 15 ओम हो जाएगा। एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है, दिख ही रहा होगा आपको, सारा कुछ गिवन है, बस लेंथ फाइंड करना है, कुछ नहीं है। आर इक्वल टू 15 ओम दिया हुआ है, पता है ना, रो एल बाई ए इक्वल टू 15 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको रेजिस्टिविटी पता है, एरिया पता है, रेजिस्टेंस पता है, बस ये एल का वैल्यू फाइंड करना है। सारा वैल्यू सपोर्ट करो, रेजिस्टिविटी की जगह पे 44 × 10⁻⁸ हो जाएगा। लेंथ आपको फाइंड करना है, एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आर की जगह पे 0.42 का स्क्वायर कर देना, इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये बनाना खुद से ही आप लोग, और इसका लेंथ जो है वो आपका 18.9 मीटर निकल के आएगा। कुछ नहीं करना, बस ये लेंथ का तो वैल्यू फाइंड करना, बाकी सारा कुछ तो गिवन है, ठीक है। तो ये इसका आंसर निकल के आएगा 18.9 मीटर, ठीक है। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करना, अगले अगले लेक्चर में इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, हालांकि नहीं होना चाहिए, सारा तो कैलकुलेशन है ना, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।